नमस्कार छात्रों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल विपिन वर्मा साइकोलॉजी में। बच्चों, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। भारत सरकार ने अभी जल्दी ही 34 साल बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति 2020 को लागू किया था। कैबिनेट के फैसले के द्वारा इसको मान्यता मिल गई भारत सरकार ने। इस बात को लेकर के पूरी भारत की शिक्षा व्यवस्था को एक नया तरीका, एक नए प्रकार की शिक्षा व्यवस्था के साथ फिट करने के लिए एक व्यवस्था बनाई है, ताकि मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम बच्चों की नीड और एजुकेशन और उनकी लाइफ को प्रोडक्टिव बनाए। इस प्रकार की एजुकेशन पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए कैबिनेट ने फैसला लिया। साथ ही साथ उसके कुछ ही दिन बाद भारत सरकार ने एक नए प्रकार की रणनीति सिलेक्शन प्रोसीजर में बनाई है। जैसे विभिन्न प्रकार की सरकारी भर्तियां वो विभिन्न प्रकार की एजेंसीज के द्वारा होती थी, तो इसके लिए सभी सरकारी भर्तियों के लिए एक कॉमन टेस्ट कराने की बात की है, एक सीईटी कराने की बात की है। इस सीईटी को कंडक्ट कराने के लिए एक बोर्ड बनाया गया है, एक एजेंसी बनाई गई है, जिसका नाम है NRA। यानी यहां पर जो बात होगी राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी यानी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, ये एक ऐसी एजेंसी होगी जो पूरे भारत की जितनी भी रिक्रूटमेंट होती हैं उन सब को गवर्न करेगी, उनकी प्रक्रियाओं को ट्रांसपेरेंट करेगी, उनके स्टैंडर्डाइजेशन को मेंटेन करेगी। यानी कुल मिलाकर जो भारत में जितनी भी सरकारी नौकरियां थीं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी समस्या से ग्रसित थीं, उन समस्याओं को खत्म करके एक नए प्रकार की भर्ती प्रक्रिया को शुरू करने के लिए भारत सरकार की कैबिनेट ने आज ही कल फैसला लिया इस बात का। और आज आपने पढ़ा होगा विभिन्न प्लेटफॉर्म पर, तो उसमें देखा होगा कि NRA है और CET है, तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज है। खास करके वो बच्चे कंफ्यूज हैं जो शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर तैयारी कर रहे थे, जो सीटेट का एग्जाम क्वालिफाई कर चुके थे या उसकी तैयारी कर रहे थे या शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। तो इन बच्चों को बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो NRA यानी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनाई गई है, इसने पहले चरण में केवल तीन चीजों को यानी RRB, SSC और बैंकिंग IBPS से होने वाली वैकेंसीज को CET के तहत लाया गया है, पहला चरण है। तो NRA क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इस पर बात कर लेते हैं। NRA का जो स्वरूप है वो एक स्वायत्त या ऑटोनोमस बॉडी की तरह काम करेगा। इसमें एक चीफ पद होगा जिसको चेयरमैन के नाम से जानेंगे, और ये चेयरमैन भारत सरकार के सचिव लेवल का व्यक्ति होगा। भारत सरकार में जो केंद्र सरकार के सचिव स्तर का व्यक्ति होगा ये इसका चीफ होगा। ये बोर्ड भारत के विभिन्न भर्ती जो बोर्ड हैं उनके साथ अपने आप को जोड़ेगा या उनको अपने अंदर शामिल कर लेगा। तो राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी विभिन्न प्रकार के बोर्डों की परीक्षा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी CET के तहत करेगा। इसके अंदर ग्रुप बी और ग्रुप सी के नॉन टेक्निकल पदों की भर्ती के लिए ये बोर्ड बनाया गया है। CET के सफल होने पर अन्य विद्यार्थी, अन्य जो अभ्यर्थी हैं वो भी इस बोर्ड की मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे। मुख्य परीक्षा में विफल होने के बाद अगर उन्हें 3 साल तक सीधे मुख्य परीक्षा देने की अनुमति नहीं होगी। जो व्यक्ति CET क्वालिफाई नहीं कर पाएगा वो नौकरी का कोई और एग्जामिनेशन नहीं दे पाएगा। यानी CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, और जो कौन कराएगा, NRA कराएगा। एक एजेंसी बनाई गई है, NRA एजेंसी बनाई गई है जो CET कंडक्ट कराएगा। अभी पहले चरण में ग्रुप बी और ग्रुप सी की भर्तियों के लिए एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा। तो और बहुत सारे लोग अलग अलग इन्फॉर्मेशन से कंफ्यूज हो रहे हैं कि अब हम लोगों को शिक्षक कैसे बनेंगे, अब सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, तो इस प्रकार के भ्रम आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए और अपनी तैयारी पर कंसंट्रेट रहिए। जब तक इसके और चरण आए इससे पहले आप सिलेक्शन ले लीजिए, वरना आप इन्हीं प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा। अब हम देखेंगे CET यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसके क्या प्रावधान है और इनमें किन बातों को शामिल किया गया है। पहली बात, जो राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी है साल में 2 बार CET कंडक्ट कराएगा। यानी
एनआरए जो है ये साल में दो बार कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कराएगा, उसमें आपको अपियर होना पड़ेगा। दूसरा बात इसका है कि सीटी में एनआरए के द्वारा रजिस्ट्रेशन से लगाकर पूरी भर्ती प्रक्रिया मेरिटलेस मेरिट लिस्ट हो या परीक्षा प्रक्रिया हो, और ये सारा का सारा काम है ये सब कुछ ऑनलाइन और ट्रांसपेरेंट होगा। 12 भाषाओं में पेपर कराया जाएगा, क्योंकि भारत जैसा मल्टी लैंग्विस्टिक कंट्री जहां पर हर बहुत सारी भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं, तो वहां पर 12 भाषाओं में सीटी जो है पेपर दिया करेगा अलग अलग क्षेत्र में। तो ध्यान रहे यहां भाषा का भी कोई स्तर नहीं होगा। कक्षा 10वीं 12वीं और स्नातक स्तर के जो बच्चे हैं इनके लिए अलग टेस्ट होगा। एनआरए सीटी की परीक्षा में सभी मानकों को पाठ्यक्रम के आधार पर मल्टीपल च्वाइस यानी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा। इसमें सुरक्षा के उच्च मापदंड होंगे, यानी एक एडवांस पैरामीटर पर पेपर कराया जाएगा। कहीं से कोई लीकेज जो आप देखते थे कि पेपर लीक हो जाते हैं, या और कई प्रकार की दिक्कतें थी उनकी, उनके उत्तर आउट कर दिए जाते थे, या और कई प्रकार के इश्यूज होते थे। कई बार ये भी होता था कि पेपर हो गया उसके रिजल्ट नहीं आते। इसमें ये भी प्रावधान किया गया है कि जो ही बच्चा अभ्यर्थी पेपर देकर सबमिट करेगा तुरंत उसको रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये बड़ी कठिनाई वाली बात है आपके लिए। वैसे तो पेपर दे के आ जाते थे और हंसते हुए कोई पूछता था कि पेपर कैसा हुआ, कह देते थे बहुत अच्छा हुआ। अब बहुत अच्छा नहीं, आप सीधे उसका स्कोर लेकर जाओगे और आपसे कोई पूछेगा कि आपका पेपर कैसा हुआ तो आपको स्कोर बताना पड़ेगा। तो आप थोड़ा मेहनत करने वाली बात है, बेईमानी नहीं चलेगी। तो ये है हमारा प्रावधान। तो जो बच्चे शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, ये बच्चे घबराए नहीं। हमारे पास कई सारे बच्चे अलग अलग सवाल पूछ रहे हैं कि सर अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो ये सिर्फ अफवाहें हैं, पहले चरण में है एनआरए जो सीटी कंडक्ट करा रहा है, जिसमें ग्रुप बी और ग्रुप सी की भर्तियों को एक राष्ट्रीय एजेंसी के द्वारा जिसका नाम एनआरए है वो कराएगी, और सीटी के तहत इन ग्रुप सी और ग्रुप जो बी के बच्चे हैं जो वो जो तैयारी कर रहे हैं जो पद हैं उनके लिए एग्जाम कराया जाएगा। इसमें आरआरबी है, आईबीपीएस है और एसएससी है, इनकी परीक्षाएं या इनको शामिल किया गया है। तो यहां घबराने वाली बात नहीं है। अभी हमारी टीचिंग से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई प्रावधान और कोई सीटी नहीं आया है। तो ध्यान रहे कि इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये कहीं ना कहीं हम लोगों के सिलेक्शन प्रोसीजर को यूनिफाइड, ट्रांसपेरेंट और स्टैंडर्ड करने के लिए किया गया है। ये बहुत बड़ा सुधार साबित होगा। भारत के प्रधानमंत्री ने भी इस बात को कहा है कि राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी करोड़ों युवाओं के लिए आशीर्वाद साबित होगी। सीटी के माध्यम से कई परीक्षाओं की जरूरत खत्म होगी और कीमती समय और संसाधनों की बचत होगी। इसमें पारदर्शिता और का पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही साथ बच्चों का जो अलग अलग पेपर भर रहे थे, फॉर्म आपने देखा होगा, कोई इलाहाबाद सेंटर जा रहा है, कोई सेंटर कानपुर जा रहा है, कोई राजस्थान चला गया है, तो ये जो रोज भागम भाग आप ट्रेनों में बैग पैक करके निकल पड़ते हैं खाना पानी बांध करके, और बहुत सारे फॉर्म, बहुत सारे एग्जाम, इन सब चीजों से छुटकारा मिलेगा। एक ही पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से लगाकर रिजल्ट और भर्ती तक की पूरी प्रक्रिया, कई बार बच्चों को पता भी नहीं चलता कौन सा फॉर्म आया और कौन सा चला गया। तो ये भी सारी दिक्कतें अब आपकी खत्म होंगी। अगर ये सिस्टमेटिक होता है, सब कुछ इंप्लीमेंट होता है, तो काफी कुछ अच्छा होने वाला है। हाँ, लेकिन जो शिक्षक भर्ती की तैयारी बच्चे कर रहे हैं, वो विभिन्न प्रकार के जो उनके अंदर भ्रम बने हुए थे, उन भ्रमों से बाहर निकलें, अपनी तैयारी पर कंसंट्रेट हों, और ये जो सोशल मीडिया पर अफवाहें चलती इनसे बचें। और भी किसी प्रकार का अगर आपको इशू है, कोई दिक्कत है, तो हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है 9695471517। वहां आप ऑफिशियल वर्किंग डे पर, ऑफिशियल टाइम पर कॉल या मैसेज करके आप हमसे अपने कंफ्यूजन दूर कर सकते हो। बच्चों, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया था टीजीटी पीजीटी की जो वैकेंसी आ रही है उसके लिए आप लग जाइए, जल्दी ही विज्ञापन आएगा और वो भर्ती आपको सिलेक्शन दिलाएंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों आप सबका।